आज हम निकल रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम से सीधा हम गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर में रुकेंगे नहीं। तो वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से आज स्नोफॉल होना चाहिए था, बट अभी यहाँ तो हुआ नहीं है, तो लेट्स सी गुलमर्ग में होगा कि नहीं होगा। आई एम रियली होपिंग कि हो जाए। सो पहलगाम से गुलमर्ग का जो रास्ता है वो आई गेस 150-160 किलोमीटर्स है, और बीच में एक तुनमर्ग भी आता है गुलमर्ग से जस्ट पहले। वहाँ पे बहुत अमेजिंग वाटरफॉल है, बट वहाँ पे पता नहीं अभी कितना फ्रीज होगा और वहाँ पे स्नोफॉल होगा नहीं होगा आज गुलमर्ग में पता नहीं, मुझे वहाँ जाके पता चलेगा। वो हम आते वक्त कवर करेंगे तुनमर्ग। अभी हम सीधा गुलमर्ग जा रहे हैं। हम रुके थे फैन देखने के लिए, ऐसे अगर अच्छे मिले तो ले लेंगे। You liking it? मुझे पता नहीं चल रहा है समझ नहीं आ रहा है लिया जाए या नहीं लिया जाए। मन था बहुत लेने का तो मैंने ले लिया फैन। थोड़ी देर में हम बिल्कुल बादलों में घुसने वाले ऐसा लग रहा है या मौसम चेंज हो चुका है। मुझे वैसे इतना लगा नहीं था कि इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा रास्तों में, बट यू नो द मोमेंट वी स्टार्टेड गोइंग अप द माउंटेन सडनली एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल। यहाँ पे हर सीजन बहुत अलग दिखता है। जैसे अभी यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, समर में आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको हर तरफ फूल खिले हुए दिखेंगे, इसलिए इस जगह को गुलमर्ग भी कहते हैं। यू नो गुल मतलब फूल और मर्ग मतलब रास्ता। एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन गुलमर्ग एंड दैट टू इन विंटर्स, सो लेट्स सी हाउ वी स्पेंड आवर नेक्स्ट टू डेज हियर। हमारा लंच आ गया है, मैगी। लंच नहीं है, मतलब लंच ही है, ब्रेकफास्ट किया था हमने। लंच मैगी कौन खाता है? आई मीन कोई नहीं खाता, बट ट्रैवल कर रहे होते तो फटाफट से यही मिल सकता है। अभी सुबह हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा निकले थे, अभी यहाँ ये लंच करेंगे, 3:30 हो चुके हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर वो स्नोफॉल हो रहा है बाहर। सी एक बात मुझे और भी बतानी है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो स्पेशली इन विंटर्स तो कम से कम 2 महीने पहले बुक कर लेना स्टे, अदरवाइज़ यहाँ होटल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली होगा एंड मोमेंट पे। You are looking like, you know, यही के हो तुम, कश्मीरी लग रहे हो। अच्छा लग रहा है मैं बहुत। तो अभी हम बस कुछ खा पी के यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आए हैं। देखो कैसे मौसम चेंज हो गया, चारों तरफ फॉग हो गई है। स्नो अभी भी नहीं हुई, जरा सी हुई थी बिल्कुल। तो लेट्स सी कल का कैसा रहेगा। कल का पूरा दिन हमारा गुलमर्ग में जाने वाला है, आज बस हम ऐसे ही थोड़ा सा आसपास देखते हैं, जस्ट मे बी वॉक करेंगे और मे बी आसपास घूमेंगे, दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, और ऐसे ही अचानक यहाँ पे मौसम चेंज हो गया था, तो उम्मीद थोड़ी बढ़ गई थी कि आज ही स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट हुआ नहीं। फिर थोड़ी देर में हमने प्लान किया कि गुलमर्ग के मेडोज़ में जाके एक्सप्लोर करते हैं और एक स्मॉल हाइक पे जाते हैं जहाँ से पूरा गुलमर्ग का व्यू दिखे। अरे पैर घुस गए। मेरे को मत पकड़ो। ये कितना अंदर गया ये? पूरे देखो पैरों में स्नो स्नो घुस गई है। ओ बस दे। पहुंचे गुलमर्ग का पूरा व्यू दिखाया से।
बहुत ही छोटा सा हाइक था और बस 10 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ पे पहुँचने में। व्यूज बहुत अमेजिंग थे यहाँ से, तो ज़रूर ट्राई करना, इट वॉज ऑल वर्थ इट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बहुत जल्दी उठ गए थे और वेदर भी बहुत क्लियर था, सो वी प्लान कपल ऑफ एक्टिविटीज टुडे। और हमारी आज की पहली एक्टिविटी थी एटीवी राइड करने वाला हूँ पूरे गुलमर्ग में, लेट्स गो। यू वांट टू ड्राइव? आपको पता ही होगा दैट ही लव्स डूइंग दीस थिंग्स, ही इज बिट एडवेंचरस। पता नहीं मैं भी फंस जाती हूँ, बट दैट्स फाइन आई गेस, आई आल्सो एंजॉय एट द एंड ऑफ द डे। नाउ शी इज ड्राइविंग। सो हम अभी एटीवी राइड करके इस पॉइंट पे उतरे, दिस इज स्ट्रॉबेरी वैली। यहाँ पे अभी स्नो है बट यू नो गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे नेचुरली स्ट्रॉबेरी होता है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, और वो दूर है पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, दूर है बहुत यहाँ से, देखो वहाँ पे सूरज की पहली किरण पड़ती है। एक चीज़ अगर आप आ रहे हो एटीवी राइड के लिए तो अर्ली मॉर्निंग आओ हमारे सही टाइम पे। अभी देखो अगर तुम एटीवी राइड करोगे ना, देन दे विल ऑल्सो ड्रॉप यू टू द प्लेस जहाँ से गंडोला राइड कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। हम फेज वन तक ही जाएंगे, वहाँ पे लेट्स सी विल ट्राई स्कीइंग। पहुँच गए, ओह माय गॉड यहाँ पे भीड़ देखो जरा। यहाँ पे स्कीइंग ट्राई करने वाले हैं, ये भी ट्राई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली अभी बेस थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम वहाँ पे आगे जाएंगे थोड़ा नीचे तक, बिकॉज हमारे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगले साल आऊँगा मैं स्कीइंग करने के लिए प्रॉपरली, बट इस बार एकदम यू नो होता है ना जस्ट लेना कि कैसी होती है, कैसा कैसा फील होता है, तो बस वो ट्राई करना है इस बार। और फिर अगली बार आएंगे फिर वहाँ जाएंगे ऊपर तक। ओके जाओगे उधर वो फेज वन में कब जाओगे? अगले साल, अगले साल, अगले साल जाऊँगा। अगर आपने कभी स्कीइंग नहीं की है ना, जैसे मैंने भी कभी नहीं किया, सो लेट मी शेयर माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद यू। सो फर्स्टली दे विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स, और फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बिफोर स्टार्टिंग ऑन स्लो, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लगभग आधे घंटे में आप अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओगे, जैसे मैं अभी स्कीइंग कर रहा हूँ। और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको फील होगा कि अरे मैं तो मास्टर आदमी हूँ, मेरे को तो आ गई स्कीइंग, ये तो बड़ा आसान था। ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कुछ आपको, बस इसी टाइम आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाओगे। ओपन योर हील्स, ओपन 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 योर हील्स, ओपन। बट आपको लगती नहीं है ज़्यादा, तो आप फिर से उठते हो और कुछ अजीब अजीब तरीके से ट्राई करते हो। तो फॉल होने का डर है, ये देखो आप गिरे। जो भी हो यार, सो बात की एक बात, फन था यार। तो जब भी आओ ट्राई ज़रूर करना। गाइज आज के लिए इतना स्कीइंग बहुत है, थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया, मज़ा आया, दो चार बार गिरे, थोड़ी इस वाले स्लॉप से गए बेसिक वाले से। अगले साल तो पक्का आ रहा हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे फिर हम जाएंगे नीचे। सही बताओ ना, ये सब देख के उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि बस यार नेक्स्ट ईयर तो मैं आ रहा हूँ, स्कीइंग तो मैंने अब सीख ही लेनी है। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकल के सेंट मैरी चर्च पहुँचे, जो कि
बिल्कुल बीचों बीच है गुलमर्ग में, और इसी जगह पे मैंने अपनी कश्मीर फिल्म का स्टार्टिंग शॉट प्लान किया था, बिकॉज आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट दिस प्लेस और ये जगह एकदम परफेक्ट लग रही थी उस हिसाब से। हम स्कीइंग करने के बाद थोड़ी देर हम अपने होटल गए, रेस्ट किया, फिर से मैं ये फेयर एंड पैन गया, चेंज करके आया हूँ और हम इस चर्च वाली लोकेशन पे आए हैं गुलमर्ग में। मेरे माइंड में कुछ आइडिया आया था इंट्रो शूट करने के लिए फॉर द फिल्म फ्रॉम द कश्मीर विच आई एम क्रिएटिंग, सो उसके लिए फेयर एंड में शॉट लेने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शॉट लेंगे ऐसे, देखो लोकेशन देखो चारों तरफ, इट्स सो प्रिटी, यहाँ भी बर्फ़ है, यहाँ भी बर्फ़ है। तो आइडिया कुछ ऐसा है कि पीछे वाइट वाइट होना चाहिए, और क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा फिर उसके साथ, तो ऐसे कुछ शॉट्स ट्राई करने वाले। दिस इज़ द शॉट आई वॉन्टेड बिकॉज इट लुक्स लाइक आई एम इन अ ड्रीम, एवरीवेयर आई लुक इट्स कवर्ड विद स्नो एंड आई एम इन कश्मीरी क्लोथ्स, सो इट मेड इट लुक परफेक्ट। शूट करते करते शाम और ठंड दोनों हो चुकी थी, तो बोनफायर तो बनता था और वो भी ऐसी विंटर्स में। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म हो गया था। ये आज हमारी आखिरी मॉर्निंग थी गुलमर्ग में, और मौसम पूरा बदल चुका था। जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा, इट वॉज एक्चुअली स्नोइंग, एंड इन अ मोमेंट एवरीथिंग टर्न मैजिकल। कहते हैं ना कि जो दिल से चाहो तो वो आपको मिल ही जाता है, it was something like that and it was feeling like heaven, you know, I can't express it in words but this is something you have to experience on your own and you will feel out of the world. तो गाइस अब हम वापस निकल रहे हैं गुलमर्ग से। मुझे ऐसा लग रहा है वी वर जस्ट सो लकी टू एक्सपीरियंस द स्नोफॉल, यू नो, इतने जब से आए थे कश्मीर से मैं बस कह जा रहा था कि एक बार स्नोफॉल हो जाए, एक बार स्नोफॉल हो जाए, और वो एक दो घंटे का सुबह का स्नोफॉल लगता है हमारे लिए हुआ था। यू नो, मैं सुबह उठा, मैंने देखा सामने स्नोफॉल हो रहा है, फटाफट से रेडी हुआ, मैंने सारी का रेडी किया और फिर हम बाहर आए और हमने अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ, ऐसा लग रहा है कि हमारी जर्नी कम्प्लीट हो गई स्नोफॉल के बिना, ऐसा लगता कि यार, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे टू से गुड बाय टू गुलमर्ग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू दरंग वाटरफॉल, और फिर वहाँ से वापस श्रीनगर जाएंगे और आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गुलमर्ग, थैंक यू कश्मीर। Say that this is one of the most beautiful places I have ever been to. पिछले दो दिन कुछ अलग ही थे और इतनी सारी यादें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं साथ में। सच में गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं है, और इसीलिए शायद इसको कश्मीर का ताज भी कहते हैं। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट एपिसोड फ्रॉम कश्मीर विल बी अबाउट सोनमर्ग, और इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देन हिट द लाइक बटन, लीव ए कॉमेंट डाउन देयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।